देश की धरोहर सेवानिवृत्त शिक्षक, कविकार, लेखककार को नम आंखों से दी गई श्रद्धांजलि। मामला सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय मुख्यालय अंतर्गत बाजार के राजकिशोर बस पड़ाव स्थित ब्लू स्टार होटल का है। जनता ने बताया कि बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे देश की एक और धरोहर को हम लोगों ने खो दिया है। हमारे देश के धरोहर थे ध्रुव नारायण सिंह रॉय। ध्रुव नारायण सिंह रॉय सेवानिवृत्त शिक्षक के साथ कविकार, लेखककार, साहित्यकार, विभिन्न भाषाओं के जानकार, खासकर अंग्रेजी, हिंदी, नेपाली, उर्दू, कई भाषाओं में लिखी गई किताब जैसे अंगूठा बोलता है, फेस ऑफ द मिरर, द्वापर गाथा, गजल की दो किताबें अभी अप्रकाशित है। जनता ने बताया कि ये गरीबों के रक्षक, गरीबों के मसीहा, गरीबों को मुफ्त शिक्षा देने वाले व अन्य अनगिनत कई प्रकार से सहायता करने वाले व्यक्ति थे। सैकड़ों गणमान्य व्यक्तियों ने ध्रुव नारायण सिंह रॉय के चले जाने का अफसोस एवं दुख व्यक्त करते हुए मौन धारण कर नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। साथ ही सभी गणमान्य व्यक्तियों ने उनकी आत्मा को शांति देने के लिए भगवान से प्रार्थना की। आइए सुनते हैं और क्या कह रहे हैं सभी गणमान्य व्यक्ति देश की धरोहर ध्रुव नारायण सिंह रॉय के बारे में। सुनिए जनता की जुबानी। आज ध्रुव नारायण सिंह रॉय जो हमारे त्रिवेणीगंज के अवकाश प्राप्त प्रधानाचार्य भी थे और किस स्कूल में प्रधानाचार्य थे? उच्च विद्यालय त्रिवेणीगंज, जिसका हम लोग छात्र भी रह चुके हैं। इंग्लिश और हिंदी के दोनों के ज्ञाता थे। महान साहित्यकार, महाकवि, कई किताब, कई लेख, कई आलेख, देश विदेश में इसकी ख्याति थी। इनकी मृत्यु 4 जुलाई को हो गई। इससे हम लोग मर्माहत हैं त्रिवेणीगंज के आम नागरिक। उसके याद में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसका संयोजक भी हम ही थे। और आज यहाँ भी त्रिवेणीगंज जितने भी साहित्यकार, गणमान्य व्यक्ति हैं, सभी लोगों ने, उसके परिवार के महिलाएँ, पुरुष, सबों को, सब यहाँ उपस्थित होकर उनके आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट मौन रहकर और श्रद्धांजलि उसके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित किया गया। निश्चित तौर पर वह एक साहित्यकार, शिक्षक और कवि ही नहीं थे, वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वो गरीब को, निसहाय को, दलित पिछड़ों के आवाज़ को उठाते थे। निश्चित तौर पर उनके चला जाना त्रिवेणीगंज की अपूर्णीय क्षति है। मैं उसके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उसके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करूँगा। आज क्या हो रहा था यहाँ पे? क्या हो रहा था वो तो आपके सामने है कि ध्रुव नारायण सिंह रॉय मूल रूप से नेपाली थी, लेकिन इनकी पकड़ जो हिंदी में थी, उर्दू में थी और ख़ास करके अंग्रेजी में थी, जो बहुत साहित्यकारों में नहीं होता। एक साथ ये लेखक भी थे, कवि भी थे, समीक्षक थे, आलोचक थे, और ऐसा नहीं कहना चाहिए हमको, लेकिन मैं कहूँगा कि पूरे राष्ट्र में अगर कोई महाकवि है तो ये है इनका एक महाकाव्य, जिनका नाम है जयद्रथ बद्ध, और वह महाकाव्य बहुत दिन पहले प्रकाशित हुई थी। उस पर बहुत विद्वान लोग भी रिसर्च अभी तक कर रहे हैं और करते रहेंगे, ऐसी मेरी मानसा है। और मैं श्रद्धांजलि अर्पित करने यहाँ आया हूँ। यहाँ शोक सभा मनाया गया है, शोक सभा में हम लोग उपस्थित हैं, आप पत्रकार हैं, आप देखिए यहाँ लोग अभी खड़े हो चुके हैं और अभी हम लोग शोक सभा भी करेंगे। 2 मिनट के लिए मौन धारण करेंगे।